फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ अपनी कई बातों को शेयर कर पाते हैं। लेकिन सोचिए अगर फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता तो जिंदगी शायद इतनी एक्टिव नहीं होती। यहाँ खुशियों को बांटना हो, दुखों को बतलाना हो या फिर कुछ सीखना ही क्यों ना हो, इनफैक्ट कई बार देखा जाए तो फेसबुक ही है जिसने सात समंदर पार शख्स को भी अपनों से मिलवाया है, रिश्तों को बचाया है तो कई नए रिश्तों को बनाया भी है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर ऐसा कुछ मुमकिन हो पाया है तो उसका एक क्रेडिट भारत को भी जाता है। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि आज वो जिस मुकाम में है उसके लिए वो भारत के शुक्रगुजार हैं। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking. दरअसल जब फेसबुक की शुरुआत की गई थी तो कई सालों तक उसे वो नहीं मिल पा रहा था जैसा उसे होना चाहिए था। हताश होकर मार्क इस सोच में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं। तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत के एक मंदिर में जाने की सलाह दी थी, जहां उत्तराखंड के कैची धाम में बिताए दो दिनों में उन्हें कंपनी के लिए एक नया मिशन मिल गया। बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद कैची धाम मंदिर, जिसे किस्मत बनाने वाले नीम करोली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जुकरबर्ग का मानना है कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद ही उन्हें फेसबुक को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए जोश मिला और आज फेसबुक के 2.45 बिलियन यूजर्स हैं। देखा जाए तो फेसबुक ने बहुत कम समय में बहुत जल्दी तरक्की हासिल की, तो वहीं मार्क जुकरबर्ग विश्व के सबसे कम उम्र के अरबपति बने। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल राजकुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।